मोदी जी लोकार्पण करेंगे मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय करूंगा क्या? मुझे नहीं, तो सबसे बड़ा प्राप्ति है मुझे थोड़ा विचार के लिए धर्म योगी भी हो गए मोदी जी योगासन भी सिखाते हैं धार्मिक क्षेत्र में हस्ताक्षर कर ही रहे हैं वहाँ जाकर शंकराचार्य ताली बजाएंगे वो अधिक से अधिक वैसे लोग कैसे प्रणाम करते हैं मालूम

उसने उसके ब्राह्मण और संत समाज को सबसे ज्यादा आहत कर दिया है कहीं सवाल मंदिर के उद्घाटन में की जा रही हड़बड़ाहट को लेकर उठ रहा है तो कहीं सवाल बीजेपी पर यह उछाला जा रहा है कि यह कैसा अशुभ संकेत वो देश को देना चाहती है जब वो एक अधूरे और निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर देने को उतारू है मगर अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो ब्राह्मण अपने अस्तित्व को लेकर उठा रहे हैं उनका कहना है कि जब सब कुछ 22 जनवरी को मोदी ही करेंगे तो संत आखिर अयोध्या जाकर करेंगे क्या लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जिसने पीएम मोदी के होड़ लेने वाली आदत पर सवाल ही नहीं खड़ा किया है बल्कि साथ ही राम मंदिर के उद्घाटन के आमंत्रण को भी अस्वीकार किया है यह जानने के लिए वीडियो को तक जरूर देखिए नमस्कार आदाब आप देख खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम पीएम मोदी की जय जयकार करने से किनारा करते हुए जिस महंत ने श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाने से इंकार किया है वो गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं निश्चलानंद सरस्वती से जब सभी मठों के शंकराचार्यों को भेजे गए आमंत्रण की बात कही गई तो निश्चलानंद बोला गया है कि अगर शंकराचार्य किसी एक व्यक्ति के साथ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं मगर इसके साथ ही स्वामी जी ने यह साफ कहा कि आमंत्रण भेजे जाने के बावजूद वो बाईस जनवरी को अयोध्या नहीं जाने वाले उन्होंने कहा अगर मुझे ये भी कहा गया होता कि एक के बजाय सभी के साथ आइए फिर भी मैं वहां नहीं जाता क्योंकि मैं बहुत ही सैद्धांतिक व्यक्ति हूं मोदी जी लोकार्पण करेंगे मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजाकर जय जय करूंगा क्या पद क्या मुझे सबसे बड़ा पद तो प्राप्त ही है मुझे श्रेय नहीं चाहिए लेकिन आप लोग ही विचार कीजिए कि आखिर धर्माचार्य क्या ही करेंगे योगी हो गए मोदी जी योगासन सिखाने ही लगे हैं धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं तो धर्माचार्य क्या ही करेंगे ताली बजाएंगे वो अधिक से अधिक हाथ जोड़कर दूर से प्रणाम कर देंगे हमें आप जानते ही हैं कि बड़े लोग कैसे प्रणाम करते हैं वैसे ही मोदी जी हमें प्रणाम कर देंगे या ऐसा भी हो कि मोदी जी संतों की तरफ देखेंगे भी नहीं मुझे अपने पद का अभिमान नहीं लेकिन अपने पद की मर्यादा का ख्याल जरूर है इसलिए मैं नहीं जाता इस पूरे बयान में जो सबसे जरूरी बात शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने कही वो ये कि मोदी जी संतों से जुड़े हर मामले में ही हस्तक्षेप करने लगे हैं योगी से लेकर धर्मगुरु तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कुछ में खुद को ही आगे देखने लगे हैं इसलिए उनके समर्थक भी इस बात से अब खफा है कि आखिर सब कुछ ही मोदी जी करेंगे तो आखिर उनकी जरूरत है क्या और ये इसी अस्तित्व के सवाल पर उठी खीज है जिसे शंकराचार्य जी ताली बजाएंगे क्या कहकर जाहिर कर रहे हैं और ये कोई संत समाज के पदवी को प्राप्त कोई पहले शंकराचार्य नहीं है जिन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अपनी राय इस तरह से सार्वजनिक की है जिससे बीजेपी और खासकर मोदी जी को चुभ सकती है अभी हाल ही में एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने उद्घाटन की तारीख को लेकर सवाल खड़ा करते हुए इसे विशुद्ध रूप से चुनावी करार दिया था उन्होंने कहा था कुछ लोगों को हमारी बात अटपटी लग सकती है मगर हमारी बात तो हमारी बात है हमने देखा है कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम को आना है और राम नवमी बिल्कुल सामने है तो ऐसे में हम राम नवमी की प्रतीक्षा करने के बजाय किसी और दिन हम इसका आयोजन कर रहे हैं तो ऐसे में विचार करने पर यही पता चलता है कि राम को लाना नंबर दो कारण है और कोई दूसरा ही कारण है जो नंबर वन है जिसके चलते यह निर्णय लिया जा रहा है क्योंकि देश में आम चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है और कहीं आचार संहिता की वजह से हम लाभ से वंचित ना रह जाएं इसलिए यह सब खेल खेला जा रहा है तो ये वो दो बयान हैं जो हाल के दिनों में जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे हैं एक तरफ एक शंकराचार्य मंदिर के कार्यक्रम में मोदी जी के हस्तक्षेप को कारण बताकर नहीं जाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक और शंकराचार्य का मानना है कि राम को राजनीतिक लाभ लेने के लिए आनंद फानन में लाया जा रहा है और इसके पीछे उनको मकसद विशुद्ध चुनावी लगता है और यह बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने मंदिर बनाने को लेकर संघर्ष किया है और ऐसा दावा खुद बीजेपी भी करती रही है और दूसरी तरफ ये संत हैं जिन्होंने बीजेपी पर ही सवाल खड़ा कर दिया है लेकिन मोदी जी जब अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भाव नहीं देते तो फिर बाकी लोग उनके सामने क्या ही मायने रखते हैं तो इस वीडियो पर क्या है आपकी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए